चोका का वो पिलर, उसमें जंग नहीं लगता है। तो इसका मतलब वो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी इतने साल पहले, लेकिन वो पिलर बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आई। मतलब उतना बड़ा आयरन का पिलर बनाने का उसका फोर्जिंग की टेक्निक हमारे पास नहीं थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आई। तो ये हुआ कि साहब उस टाइम तो थी, वो गायब कहाँ हो गई, क्योंकि ये स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी है वो 2000 साल पहले भी थी और अभी भी है अगड़ियाओं के पास, लेकिन ये फोर्जिंग की टेक्नोलॉजी बीच में गायब हो गई। तो वो हुआ कि ये कैसे हुआ होगा, तो एक हमारे दोस्त थे वो, उन्होंने बोला देखो बहुत सारे आदमी हुए जो उन्होंने तपस्या की देवताओं की और महादेव को खुश किया या ब्रह्मा को खुश किया और फिर वरदान मांगा अमरत्व का कि हम ऐसे भी नहीं मरे, वैसे भी नहीं मरे, हम अंदर भी नहीं मरे, बाहर भी नहीं मरे, दिन में भी नहीं मरे, रात को भी नहीं मरे, सब मांग लिया। और जैसे ही उनको वरदान मिला अच्छे खासा आदमी राक्षस बन गया। हाँ, तो जैसे उसने अपने वो नेचर को ट्रांग्रेस किया कि आदमी की है मरेगा, पर उसने जैसे ही उसको उसको पार कर लिया वो राक्षस बन गया। तो इसलिए वो लोगों ने सोचा होगा कि ये इतना बड़ा चीज हमने बना दिया ये तो राक्षस ही बनेगा, तो इस टेक्नोलॉजी को ही खत्म कर दो। इट्स अ गुड स्टोरी, वेदर राइट और रॉन्ग इज नॉट द मैटर, नो। तो दिस, ये जैसे प्लास्टिक है, राक्षस बन गया ना, आपने इसका लॉन्गेविटी बढ़ा दी इतनी, इट्स बिकम अ राक्षस। तो देयर इज सम मेरिट इन यू नो लाइफ, जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए, आप उसको प्रोलॉन्ग करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा।